हेलो एवरीवन, सेल्स टाइप हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो सेशन रहने वाला है, इसमें हम HPAS CSAT के बैच 1 की डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो CSAT का पेपर होता है उसको किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, क्या इसमें हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, प्लस कौन से एस्पेक्ट में कौन से MCQ आपको किस कॉम्पोनेंट से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के जो बैच की डिटेल्स होंगी उसमें सबसे पहले टेंटेटिव डेट्स के बारे में मैं जिक्र करूंगा आप सभी के साथ। तो कुछ ये ऑफिशियल हमारे पास नोटिफिकेशन थी जिसमें लिखा हुआ है कि जो 11th ऑफ जून है उसको आपका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो सेकेंड वीक ऑफ फरवरी बोला था कि नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है। तो हो सकता है कि इस मंथ के एंड तक या फिर मार्च के स्टार्टिंग में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। और ये जो डेट है एग्जाम की, ये 11 जून से 18th जून या फिर 25th जून तक आगे एक्सटेंड हो जाए। तो ये चीज आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो 4 महीने का अप्रोक्सीमेटली हमारे पास समय है अब बची हुई प्रेपरेशन को कंप्लीट करने का। तो इन लास्ट के 4 महीनों में CSAT एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि पिछले 1 साल से आप GS की प्रेपरेशन कर रहे हो और यही हमारे पास टाइम है कि हम CSAT की प्रेपरेशन कर सके। तो दोस्तों, अगर हम बात करें प्रीलिमिनरी एग्जाम की, तो इसमें टोटल 2 पेपर होते हैं। GS पेपर 1, जो कि आपका GS का पेपर रहता है, जिसमें 6 मेजर कंपोनेंट रहते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट साइंस और हमारे करंट अफेयर्स और HPGK, 7 कंपोनेंट्स। और GS का जो पेपर 2 है ये रहता है हमारा CSAT का, यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस पेपर को किस तरीके से हमने करना है उसके बारे में आज की क्लास में हम समझेंगे। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ हम शुरू करेंगे। बिल्कुल, CSAT की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें टोटल आपको 100 MCQ देखने को मिलेंगे, जो कि टोटल 200 मार्क्स के होते हैं जी। और इसमें ये जो एग्जाम है, इसकी जो खास बात क्या है कि ये क्वालिफाइंग है, यानी कि इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको 66 मार्क्स चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी से, EWS कैटेगरी से, OBC, SC, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इन सब के लिए एक कॉमन रखा गया है कि सबके 66 मार्क्स होने चाहिए। अगर आप CSAT क्वालिफाई करते हो उसके बाद आपका GS1 का पेपर चेक होता है, तो ये क्वालिफाइंग है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें बेसिकली 3 हमारे पास कॉम्पोनेंट्स पूछे जाते हैं। इंग्लिश आता है इसमें, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, प्लस इसमें रीजनिंग के MCQ जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वांट्स प्लस DI लिखा है, क्योंकि जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है वो भी हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ही पार्ट रहता है। क्लियर? तो आपको ये तो पता चल गया कि ये जो CSAT है इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, जो मेजरली पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कौन कौन से हमें कंपोनेंट्स कवर करने हैं, कौन कौन से हमें सब्जेक्ट पढ़ने हैं इसमें, तो उसमें सबसे पहले आएगा हमारे पास इंग्लिश, दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा रीजनिंग। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो ये मैंने एवरेज MCQ लिखे हैं पिछले 3 साल का जो एनालिसिस है उसको देखते हुए। तो इंग्लिश के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 20-25 पूछे जाते हैं। अब देखो, पिछले कुछ सालों में इंग्लिश के क्वेश्चंस कम भी पूछे गए हैं, 2016-17 भी पूछे गए हैं, बट ये एवरेज है पिछले 3 साल का। तो पिछले 3 साल में जितने आपको MCQ पूछे गए हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं क्वांट और DI की, तो इसमें आपको 30-35 MCQ पूछे जाते हैं। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, प्लस इसमें आपका डिसीजन मेकिंग भी आएगा, तो इसमें आपको 40-45 MCQ जो है वो हर साल पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 100 MCQ होते हैं, 3 कंपोनेंट्स में इनको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें दोस्तों, इसमें हमारे पास आएगा 2022 का जो लेटेस्ट पेपर हुआ था, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 सवाल थे, 20, और TI के 15 सवाल थे। तो ये दोनों मिलके कितने क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास, 35। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के टोटल 40 MCQs थे। क्लियर? और अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के इसमें 25 MCQ थे। तो इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे 2022 में। नेक्स्ट अगर हम देखें 21 का एनालिसिस, जो HPAS जो CSAT का पेपर है उसके इतिहास का सबसे मुश्किल पेपर माना गया था, उसमें अगर हम देखें तो क्वांट के 31 क्वेश्चन थे, आपके रीजनिंग के 53 क्वेश्चन थे और इंग्लिश के 16 क्वेश्चन थे। और ये पेपर जो था ये काफी मुश्किल था, इसमें रीजनिंग भी मुश्किल थी, इसमें हमारा
क्वांट भी मुश्किल था। और हमने देखा, ये चीज ऑब्जर्व करी कि 2021 में कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका जीएस में तो अच्छा स्कोर था बट वो सीसेट को क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सीसेट को देखो लाइटली मत लो। आप ऐसा कह सकते हो कि हम अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो 75% हमारा फोकस रहना चाहिए जीएस पे और 25% रहना चाहिए सीसेट पे, तो ये रेशियो बिल्कुल सही है। बट अगर आप इसको बिल्कुल लाइटली लोगे, आप इसको देखोगे भी नहीं, या फिर आप ये धारणा लेके चल रहे हो कि सीसेट तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, तो वो थोड़ा गलत बात है। तो वो काम हमने नहीं करना है। हमने 25% स्टडी का जो समय है अगले 4 महीने का, वो हमने सीसेट को भी देना है ताकि इजिली हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। नेक्स्ट अगर हम देखें 2019 का जो हमारे पास पेपर हुआ था, उसमें क्वांट के 30 क्वेश्चन थे, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन थे। वैसे ही स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है एचपीएस का कि वो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन देता है, बट ये आगे पीछे हो जाते हैं जो कि हमने ओवर द एयर देखे हैं, है ना। हमने 21 में भी देखा, हमने 22 में भी देखा, तो ये शिफ्ट हुआ है थोड़ा बहुत। इंग्लिश के सवाल कम किए उन्होंने, उन्होंने मैथ के इंक्रीज करे, उन्होंने रीजनिंग में इंक्रीज किया है, इंग्लिश के कम किए हैं। लेकिन ये चीज जरूरी नहीं है कि हर बार होगी, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको कॉम्प्रिहेंशन के ज्यादा सवाल देखने को मिल जाए। तो ये था हमारा एनालिसिस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपने कवर करने हैं। बात करेंगे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सबसे पहले। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आगे 3 पार्ट्स रहते हैं हमारे पास। बेसिक न्यूमरेसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको आप मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं, और तीसरा रहता है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन। तो अगर मैं बात करता हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो इसमें नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मेंसुरेशन, और डीआई के जो हमारे पास ग्राफ्स होते हैं जैसे कि लाइन चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हो सकता है कि आपको कल को यूपीएससी का पेपर भी देना है। अगर आप अभी एचपीएस की तैयारी कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप यूपीएससी का पेपर भी दोगे, तो ऑब्वियसली बच्चे उसमें भी आपको काफी हेल्प करेगा, इसीलिए आपने ये पूरा का पूरा करना है। ठीक है, अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं इसमें, तो रीजनिंग क्या था, हर एक चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो सिंगल सिंगल चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग जो है वो सबसे ज्यादा आती है, और रीजनिंग के ऑलमोस्ट 25 चैप्टर्स होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, इमेजेस वाले क्वेश्चंस हैं, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, रैंकिंग है, क्लॉक एंड कैलेंडर है हमारे पास, एम्बेडेड फिगर्स हैं, काउंटिंग फिगर्स हैं, तो ये सारे सवाल आपको जो है वो पूछे जाते हैं, तो वो तो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में फिलिंग द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन, इसके अलावा हमारी जो वोकैबुलरी है वो थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये सारा कुछ आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों, हमारा जो बैच है जो हम शुरू कर रहे हैं 28 फरवरी से, तो इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक आप सभी ने बने रहना है, एक एक चीज आप सभी ने समझनी है। अगर मैं डिटेल्स की बात करूं दोस्तों, तो हम ये कोर्स जो है वो ऑनलाइन रखेंगे, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे मंडे टू सैटरडे, डेली आपको 2 वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। और स्टार्ट हम करेंगे दोस्तों इसका मैथ यानी कि क्वांट्स और रीजनिंग से, यानी कि डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा मैथ का, एक लेक्चर आपको मिलेगा रीजनिंग का। तो ये डेली बेसिस पे रहेगा मंडे टू सैटरडे, और जैसे रीजनिंग खत्म होगी तो उसके बाद हम उसको इंग्लिश के साथ जो है वो रिप्लेस कर देंगे। ऑब्वियसली अगर आप सीसेट की प्रेपरेशन कर रहे हो तो इसमें आपको मैथ और रीजनिंग से ही ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो हमने भी इनको ही सबसे पहले करना है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो सबसे खास बात जो इस बैच की है कि जो बैच होगा ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है, यानी कि जो हमारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, सारे के सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, हर एक टॉपिक हम कवर करेंगे, जिसमें हम आपको 100+ लेक्चर्स देंगे। टोटल आपको 100+ लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें सारे के सारे आपके कंसेप्ट होंगे, प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप्स वगैरह सब कवर की जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपका डाउट सेशन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सीसेट पढ़ रहे हो तो डाउट भी रहेंगे, तो हर सैटरडे को हम आपका डाउट लेंगे, सैटरडे या संडे दोनों में से किसी एक दिन आपका डाउट सेशन भी लाइव रहेगा, जिसमें आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, और जो भी आपके डाउट्स हैं, चाहे वो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एमसीक्यू के साथ प्रॉब्लम्स हैं, वो आप डिस्कस कर सकते हो। एट द एंड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर एक लेक्चर के साथ आपको 50, 60, 70 एमसीक्यू दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि सीसेट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस।
जितने ज्यादा सवाल आप सोल्व करोगे उतना ही बढ़िया आपका एग्जाम में भी आप कर पाओगे, क्योंकि सारा का सारा ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम देखें दोस्तों, ब्रीफ डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि जो बैच है वो शुरू होने वाला है 28 फरवरी से और हम 26 अप्रैल तक सारे के सारे लेक्चर इसमें अपलोड कर देंगे, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स हम सारे लेक्चर इसमें डाल देंगे। और अगर आप हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप इन 2 महीनों में अच्छे से सीसेट की तैयारी भी कर लोगे। अगर आप दिन में 2 घंटे भी निकालते हो, अगर आप दिन में 2 घंटे भी निकालते हो, 1-1 घंटे का लेक्चर होगा, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, सुबह 10 बजे आपको एक लेक्चर मिल जाएगा और एक शाम को 5 बजे आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो दिन में आपने 2 घंटे निकालने हैं और आपका सीसेट अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो फीस रखी है दोस्तों बिल्कुल नॉमिनल फीस है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ 2999 में आप ये पूरा का पूरा कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो प्राइस है ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, मतलब जीएसटी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग जीएसटी, अलग से कुछ चार्जेस नहीं है, बस 2999 ही इसमें चार्जेस रहेंगे। तो आई होप ये सारा आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं दोस्तों तो डेमो लेक्चर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, इसमें सारे टीचर्स के डेमो लेक्चर्स हैं। इसमें मैथ के डेमो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, रीजनिंग के मिलेंगे, इंग्लिश के मिलेंगे और 2-2 डेमो लेक्चर्स होंगे, ताकि आप अच्छे से पहले एक बार क्लासेस देख लो, जो नोट्स आपको दिए होंगे वो नोट्स एक बार आप चेक कर लो, एमसीक्यूज देख लो, प्रैक्टिस करो। अगर आपको ये सारी क्लासेस समझ आती हैं और सी सेट में आपका वीक है तो आप इस बैच को फिर ज्वाइन कर सकते हो। 28 से बैच शुरू करेंगे, लिमिटेड सीट्स रहेंगी, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, क्लास नोट्स देंगे, जो भी हम आपको पढ़ाएंगे उसके आपको नोट्स मिलेंगे, प्लस आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। और जो हमारे स्टूडेंट्स जो इस बार एचपीएस का पेपर देने वाले हैं, है ना, तो वो सीसेट की तैयारी जरूर करना, क्योंकि सीसेट जो है वो क्वालिफाइंग जरूर है लेकिन बहुत ट्रिकी होता है। अगर वो पास नहीं हुआ तो जीएस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता उसमें। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी की भी प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी ये बैच जो है सफिशियंट रहेगा। तो आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।